अब समाचार हेडलाइन सुनिए। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को सरस्वती योजना निशुल्क साइकिल 3 दिसंबर को वितरण किया गया। अब समाचार बुलेटिन परमान रजवाड़े के साथ विस्तार से सुनिए। बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। आदरणीय श्री अमित सिंह देव जी, लखनपुर सरगुजा प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इससे पढ़ने वाले छात्राओं को स्कूल आने जाने में सहूलियत होगी। दरअसल पहले बालिका शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, घर बार के कामों में ही उलझे रहते थे, पढ़ाई बीच में छूट जाता था। इसके अनेकों उदाहरण हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरस्वती साइकिल योजना बनाई है ताकि पढ़ने वाले छात्राओं को इसका लाभ मिल सके और वह आगे की पढ़ाई जारी रख सके। उपरोक्त बातें सरस्वती साइकिल योजना वितरण समारोह के बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस सदस्य विक्रमादित्य सिंहदेव 3 दिसंबर को कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर में आयोजित साइकिल वितरण समारोह उपस्थित छात्रों तथा स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए कहा। इस मौके पर मंचासीन अतिथियों ने माँ सरस्वती की छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। तत्पश्चात संस्था के प्रभारी प्राचार्य आदरणीय श्री एसडी पांडे तथा शिक्षक शिक्षिकाओं तथा स्कूल के छात्र छात्राओं ने अतिथियों का फूल माला पुष्प कुक्ष भेंट कर स्वागत किया। उद्बोधन के कड़ी में शिक्षा स्थायी समिति अध्यक्ष एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सिंहदेव ने अपने उद्बोधन में कहा, सरस्वती साइकिल योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। दूर दराज ग्रामीण अंचलों के जिन बालिकाओं को पढ़ने में रुचि है और वह घरेलू काम के वजह से स्कूल समय पर नहीं पहुँच पाती, उन बालिकाओं के मजबूरे हालत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सोच समझ कर इस योजना को लागू किया है, जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले और बालिकाओं की पढ़ाई बाधित न हो। यकीनन यह योजना सराहनीय है, बालिका शिक्षा को गति मिली है। बालिका हाई स्कूल लखनपुर में अध्ययनरत कक्षा 9वीं के 108 छात्राओं को मुख्य अतिथियों के कर कमलों से साइकिल वितरण किया गया। साइकिल वितरण समारोह के विशिष्ट अतिथि मंडी अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, एल्डरमैन सराफत अली, मुन्ना पांडे, मकसूद हुसैन, प्रकाश ठाकुर रहे। इस दौरान संस्था के प्रभारी प्राचार्य एसडी पांडे ने हाई स्कूल के अतीत को याद करते हुए बताया कि कन्या हाई स्कूल सन 1962 ईस्वी में आरंभ हुई थी। दाखिल खारिज के मुताबिक अब तक 7002 छात्राएं अध्ययनरत रह चुकी हैं तथा अब तक 5693 टीसी जारी हो चुके हैं। उन्होंने पहले कन्या हाई स्कूल में दाखिल लेने वाले सावित्री रामेश्वर दास कुमारी, निर्मला सिंह देव, रामरति बदलू राम का जिक्र किया और स्कूल खुलने के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इस दौरान साइकिल वितरण समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथियों ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में कबड्डी, खो खो, 100 मीटर दौड़, रंगोली साइकिल रेस प्रतियोगिता प्रतिभागी खिलाड़ियों छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर आर के विश्वकर्मा व्याख्याता, रेवती रमन सिंह व्याख्याता, श्रीमती रीना सिंह व्याख्याता, एलबी श्रीमती नीलम खेस, वंदना सिन्हा, रश्मि गुप्ता, कुमारी राधिका चौहान, कुमारी शीला अम्बस्ट, कंप्यूटर श्री अतुल तिर्की, पीटीआई परमान रजवाड़े, आदित्य कुमार सहायक शिक्षक, एस एन महंत सहायक ग्रेड 3, सिकंदर क्रिकेटर, आदित्य लोचन राम, जुगलाल राम, श्रीमती राधा सिद्धप्पा मौजूद रहे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।